हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, मूवीज़ तो बहुत तरह की आती हैं, लेकिन आज हम ऐसी टॉप 10 मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जो हैवानियत से भरी हुई हैं, जिन्हें देखने से आपका दिल दहल उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉप 10 लिस्ट को। नंबर 10 पर है डाउन रेंज मूवी। 2017 में मूवी आई थी, 1 आवर 30 मिनट्स की ये मूवी है। 5.4 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है, 46% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी ये है, कुछ दोस्त एक जगह घूमने के लिए जाते हैं और वे अचानक से मरना शुरू हो जाते हैं, वो भी बहुत अजीब तरीके से। तो वो क्यों मरते हैं, उसके लिए आप ये मूवी देखिए। ये मूवी बहुत ही मिस्टीरियस मूवी है। नंबर 9 पर है द पैशन ऑफ द क्राइस्ट। 2004 में मूवी आई थी, 2 आवर 7 मिनट्स की ये मूवी है। 7.2 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है, 47% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी ये है कि जो जीसस होते हैं उन्हें अपनों के द्वारा ही धोखा मिलता है और जीसस को रोमन द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं। तो क्या वे बचते हैं, नहीं, वो इस मूवी में आप देखिए। नंबर 8 पर है रॉन्ग टर्न। 2003 में मूवी आई थी, 1 आवर 25 मिनट्स की ये मूवी है। 6.1 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है, 32% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी ये है, इसमें एक आदमी होता है जो अपने काम पर जा रहा होता है, लेकिन वो शॉर्टकट लेता है जंगल की तरफ से, लेकिन ये उसे बहुत भारी पड़ता है क्योंकि उन्हें वहाँ पर नरभक्षी मिलते हैं। तो क्या बच पाते हैं, नहीं, वो इस मूवी में आप देखिए। नंबर 7 पर है द कलेक्टर। 2009 में मूवी आई थी, 1 आवर 30 मिनट्स की ये मूवी है। 6.4 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है, 29% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें एक नकाबपोश पागल होता है जो एक फैमिली को निशाना बनाता है। वो अलग अलग तरह के जाल बिछाता है। तो अगर वो फैमिली बच पाते हैं, नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए। नंबर 6 पर है एस्केप रूम। 2019 में मूवी आई थी, 1 आवर 39 मिनट्स की मूवी है। 6.3 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है, 48% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें $10,000 का एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है और उसमें 6 आदमियों को अलग अलग जगह से बुलाया जाता है, लेकिन वे अपने आप को एक बहुत खतरनाक स्थिति में पाते हैं। क्या वे बचते हैं, नहीं, क्या वे जीते हैं, नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए। नंबर 5 पर है द टेक्सास चेनसॉ। 1974 में ये मूवी आई थी, 1 आवर 30 मिनट्स की ये मूवी है। 7.5 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है, 75% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी ये है, इसमें एक साइकोपैथिक होता है जो चेनसॉ से सबको मारता रहता है। वो ऐसा क्यों करता है, मूवी में देखिए। ये मूवी पुरानी बहुत है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी उतनी ही है। नंबर 4 पर है द कैबिन इन द वुड्स। 2011 में मूवी आई थी, 1 आवर 35 मिनट्स की ये मूवी है। 7 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है, 76% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है, कुछ दोस्त एक जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन उनका पीछा कर रहे होते हैं कुछ साइंटिस्ट और वे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मरने शुरू होते हैं। तो क्या उनमें से कोई बच पाता है, नहीं, आप इस मूवी में देखिए। नंबर 3 पर है द क्रेजी। 2010 में मूवी आई थी, 1 आवर 41 मिनट्स की ये मूवी है। 6.5 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है, 56% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें एक आदमी होता है और वो अपनी फैमिली को मारना शुरू कर देता है, वो भी बहुत तड़फा तड़फा कर। तो क्या उस फैमिली में कोई बचता है या नहीं, क्या वे सरवाइव कर पाते हैं, नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए। नंबर 2 पर है जिग्सॉ। 2017 में मूवी आई थी,
1 hour 32 minutes की ये मूवी है। 5.8 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 39% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है कि इसमें एक आदमी होता है जो बहुत पहले ही मर चुका है, लेकिन वो अब भी दूसरों को मार रहा है, वो भी बहुत तड़पा कर, उन्हें जाल में फंसा कर मारता है, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और लोग मरते जा रहे हैं। क्या लोग उसे पकड़ पाते हैं? नहीं। वापिस मूवी में देखिए। नंबर 1 पर है सा मूवी। 2004 में ये मूवी आई थी। 1 hour 43 minutes की ये मूवी है। 7.6 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 46% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें एक साइको किलर होता है जो लोगों को एक जाल में फंसाता है और उन्हें चांस देता है जीने के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस गेम को पूरा नहीं कर पाता और हमेशा मौत के घाट उतर जाता है। उसके बाद क्या होता है आप इस मूवी में देखिए। क्या लोग बच पाते हैं उस गेम से या नहीं, वो आप इस मूवी में देखिए।